बोलेंगे भैया? आज शुक्रवार का दिन है और कल और परसों, कल शनिवार है और परसों रविवार है, दो दिन की छुट्टियां रहेगी मंडी में। तो आज चूंकि पानी का मौसम भी है और जो आवक है वो भी थोड़ी कम है, लेकिन हमारे साथ में जो है यहाँ के व्यापारी है उनसे बात करेंगे कि आज किस तरह का बाजार रहा मंडी में, आज किस तरह का बाजार रहा सर मंडी में? बाजार समान रहा, बाजार कम नहीं है और न ऊँचे हैं, और मौसम भी ख़राब है, आंधी तूफान चल रहा है और बारिश का मौसम, एक दो दिन गिरने की संभावना है। तो क्या भाव रहे हैं आज अगर देखा जाए लहसुन क्या भाव? ऊपर में बढ़िया माल तो 20,000, 22,000, 23,000, 24,000 भी बिक रहे हैं और हल्के माल 60-70 रुपये नीचे में भाव है। तो अभी आवक कम है तो ऐसा बता रहे हैं? आवक आज कम है और दो दिन की छुट्टी है मंडी की, शनिवार रविवार की, और सोमवार को पता चलेगा आगे क्या स्थिति लगता है। कुछ उछाल क्योंकि कई भविष्यवाणी हो चुकी है कि लहसुन में अच्छी तेजी आएगी। अच्छी तेजी आएगी लेकिन कुछ अभी आखा तीज की लगन की वजह से किसानों को पैसे की जरूरत है, इसलिए वो माल बेच रहा है। तो 10 तारीख के बाद पता चलेगा क्या किसान माल रोकता है या नहीं रोकता है। तो जो हमारे साथ व्यापारी, इनका कहना है कि 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि किसान, क्योंकि अभी शादी ब्याह का सीजन है, किसानों को पैसे की जरूरत भी है, तो मंडी में जो है लहसुन की अच्छी आवक भी हो रही है, लेकिन जो अभी जो भाव है वो करीब 10 से 20,000 तक के, 22,000 तक जो है वो उच्च क्वालिटी की जो लहसुन है वो जा रही है, लेकिन जो मीडियम भाव है वो नीचे में 10,000 तक है। तो अब जो अगले दिन आने वाले दिन है उसमें पता चला है, क्योंकि स्टॉक लोगों ने करना शुरू कर दिया है और किसान अगर माल रोकते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो लहसुन है उसमें उछाल आना संभव है। तो अभी जो भाव है वो सामान्य भाव चल रहे हैं मंसूर मंडी के, 10 से 15,000 बोरी के जो कट्टे हैं उनकी आवक है, और इसके बाद जब मंडियाँ फिर खुलेगी तो तब पता चलेगा कि लहसुन में किस तरह के बाजार जो है तेजी रहते हैं या मंदी रहते हैं। मार्केट टाइम्स टीवी के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।